तो कैसे हैं आप सभी लोग भाई भाई लोग, यहाँ पर Redmi 8 लॉन्च हो चुका है Xiaomi की तरफ से। अब थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जैक्टली Redmi 8 में आपको मिलता क्या क्या है। Redmi 8 की अगर हम बात करें तो Redmi 8 में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon का 439 प्रोसेसर। ओ माई गॉड, माई गुडनेस, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर है 8000 रुपये की कीमत में। आपको 3GB और 64GB का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिख जाता है, प्लस 2 प्लस 32GB वाला ऑप्शन दिख जाता है। कैमरा यहाँ बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है, सेल्फी आपको मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का, P2i कोटिंग मिलता है। डिज़ाइन बहुत लाजवाब है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है, और अगर हम बात करें तो बॉक्स के अंदर आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलता है। तो बहुत ही कमाल का ओवरऑल फ़ोन है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही दमदार है, मुझे बहुत पसंद लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। भाई Xiaomi पागल हो चुका है क्या? आई एम लिटरली, मतलब आप इफ़ यू गो, अगर आप Redmi 7 की को जा करके अगर आप चेक करो तो Redmi 7 फार बेटर है। 600 सीरीज का प्रोसेसर आपको मिलता है Redmi 7 में, इससे थोड़ी कम ही कीमत होगी। और अगर 4GB और 64GB वाला अगर आप वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पर शायद आपको 8 या 8200 के आसपास कुछ प्राइसिंग पड़ेगा, लेकिन 3000 वाला लेंगे तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट इतना ही प्राइस है। वहाँ पर आपको बैटरी भी ठीक है 5000mAh नहीं मिलता है, लेकिन बात वही हो गई कि आपने सड़ा हुआ उनका दिल का धड़कन, मतलब जो सर्जरी करनी थी दिल की वो आपने प्रॉपर किया नहीं, एक किसी बूढ़े बुजुर्ग का आपने हार्ट डाल दिया एक मोबाइल के अंदर। उसके अंदर 400 सीरीज आज के टाइम पे 8000 रुपये, ये वर्थ नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फिर 440, 435 ये ऐसे चिपसेट्स थे जब आज से 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पहले आया करते थे, इनफैक्ट 3 साल पहले आते थे। आप उसको आज 400 सीरीज का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो Redmi 8 में, प्राइसिंग भी कुछ सस्ती आपने नहीं रखी हुई है। Redmi 7 आप ही का एक फ़ोन है जहां पर आप 7000 और 8500 के बीच की प्राइसिंग में 3+32 और 4+64GB वाला वेरिएंट बेच रहे हैं। टाइप सी आप दे रहे हैं, लेकिन टाइप सी के साथ आप फास्ट चार्जर नहीं देते हैं इनसाइड द बॉक्स, तो कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहां पर आपकी सोच क्या है इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि Redmi 8 मुझे नहीं लग रहा है कि यहां पर एक ये कोई ढंग का फ़ोन है, या फिर ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, या फिर यहां पर कुछ अगर हम बात करें तो ये फ़ोन आपको लेना चाहिए। अभी भी Redmi 7 एक अच्छा चॉइस है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल आपको दे रहा है, पूरा स्पेक्स हम जान ही लेते हैं कि एग्जैक्टली आपको Redmi 8 में क्या क्या देखने को मिलता है। तो Redmi 8 में यहां पर मिलता है आपको HD प्लस का डिस्प्ले। तो Redmi 8 में आपको मिलता है रियर में 12+2 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन मिलता है, P2i की कोटिंग मिलती है। नो डाउट लुक एंड डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको मिलता है। और अगर हम यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें बात करें तो यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले मिलता है वो डॉट नॉच डिस्प्ले मिलता है जो कि HD प्लस है, और ये कुछ कहते हैं ऑरा मिरर डिज़ाइन यहाँ पे कुछ आपको मिलता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिखता है। 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा टाइप सी के साथ, लेकिन यहाँ पर आपको फास्ट चार्जर इनसाइड द बॉक्स नहीं मिलेगा। 2+1 यहाँ पर आपको मिल जाता है, दो यहाँ पे सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड साथ में लगा सकते हैं। वायरलेस FM रेडियो मिलता है जो कि अच्छा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो बटन वाले फ़ोन्स में भी ये पुराने टाइम पे फीचर्स देखने को हमें मिलते थे। कैमरा आपको मैंने यहाँ बता ही दिया है, यहाँ पे IMX सोनी का 363 सेंसर यूज़ किया गया है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है जिसका अपर्चर है f1.8। AI सीन डिटेक्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, फेस अनलॉक मिल जाता है यहाँ पर आपको, फिर यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है, और डिज़ाइन और लुक यहाँ पे बहुत अच्छा है डॉट नॉच के साथ, और यहाँ पर आपको IR इंफ्रारेड यहाँ पर आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। अब जो सबसे बड़ी चीज़ जो आती है यहाँ पर, कि यहाँ पे देखिए आप चीज़ों को समझिए, जो बजट सेगमेंट के जो फ़ोन्स होते हैं उसमें कभी भी सेंसर्स को यहाँ पर उतना हाईलाइट नहीं किया जाता है। अब ये Xiaomi को भी अच्छे से पता है कि इनका फ़ोन यहाँ पर कुछ उतना खास नहीं है, और ये जो जिस प्राइस पे लॉन्च किया है ये ओवर प्राइज्ड है। इनफैक्ट यहाँ पे इन्होंने जानबूझ करके यहाँ पर रियर कैमरा का जो सेंसर है उसे हाईलाइट किया है कि सोनी का IMX 363 हम यहाँ पर सोनी का IMX सेंसर हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो कि ये साफ दिखता है कि यहाँ पर आपको अगर हम बात करें तो ये मार्केटिंग ट्रिक है। और सोनी का IMX 363 भाई कोई बहुत बड़ा ये सेंसर नहीं है, ये आज से 3 साल पुराने वाली टेक्नोलॉजी है, 4 साल इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है ये, और ये 363 कोई बहुत बड़ा नहीं है। जहाँ सोनी का IMX 586 आज के टाइम पे चल रहा है जो कि एक बूस्ट किया जा सकता है, यहाँ पर लोग बोस्टिंग उसका कर सकते हैं, यू नो वाह वाही लूट सकते हैं, बोल सकते हैं हाँ भाई हमारे फ़ोन में सोनी का IMX 586 सेंसर है क्योंकि वन प्लस में भी यही यूज़ हुआ है, तो समझ में आता है। यहाँ पर आपका Redmi 8 में जो आप सोनी का IMX 363 को हाईलाइट कर रहे हैं,
किसी भी फोन में तो मैंने आपका नहीं देखा है पुराने के टाइम पे। Redmi का मैं खुद लवर हूँ मेरे भाई, इनफैक्ट ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये भी Redmi के ही फ़ोन से मैं कर रहा हूँ। Redmi का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि Redmi को क्या हो गया है Xiaomi को। यहाँ पे मनु जैन का दिमाग, आई थिंक वो सर पे जैसे बाल उनके गायब हुए ना, वैसे उनकी लगती है बुद्धि भी गायब हो गई है, दिमाग से निकल गया है, वो ब्रेन उनका निकल चुका है, एंड ही इज़ नाउ ब्रेनलेस। बिकॉज ऐसे ऐसे घटिया फ़ोन निकाल रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पे Realme आपको 600 सीरीज़ का प्रोसेसर दे रहा है 8000 रुपये में, 9000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में, और आप यहाँ पे 400 सीरीज़ का यहाँ पर चिपसेट लेकर के आ रहे हैं 7000 में 8000 में। दिस इज जस्ट बुलशिट। मतलब इससे बड़ी और घटिया और वाहियात कुछ हो ही नहीं सकता, और इसको आप बोस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अपने 4-10 लोगों को अपने लॉन्च सेशन में आप बिठा लेते हैं और वो सामने से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, एंड दैट प्रूव्स कि आपने बहुत अच्छा डिवाइस बनाया है। जी नहीं, आपने डिवाइस बहुत ही घटिया बनाया है, और ये 8000 रुपये की प्राइस सेगमेंट में वो भी लिमिटेड लोगों को मिलेगा। मतलब एक हाइप क्रिएट करना सीखे तो कोई इनसे सीखे कि हाइप को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट बुलशिट। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। Redmi 8 मेरी तरफ से एक ड्रॉप डाउन है, बिकॉज इट्स जस्ट यूजलेस फोन, कोई मतलब नहीं बनता है इस प्राइस सेगमेंट पे इतना पैसा खर्च करने का। Realme में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।